हम आप सबके परमात्मा के बारे में एक कथा सुनावल चाहत बानी जौन पूरा दुनिया के लोगन के जिंदगी बदल रहल बा। ई कोनो इंसान के बनावल कथा नहीं के, ई यीशु ग्रंथ से बा जौन परमात्मा के बानी बा। यही से ई साँच और विश्वास योग्य बा। एक ही ईश्वर बानी और ई ऊ परम प्रधान परमात्मा बानी। ऊ परमात्मा कोनो भी आदमी, आत्मा, धार्मिक गुरु, सरकार या देवता जेकर लोग पूजा करेला से बहुत शक्तिशाली बानी। संसार में और कुछ भी होखे से पहले उन्हीं के अस्तित्व रहे। जब परमात्मा सृष्टि के रचना करे लगनी तब सिर्फ बोलनी और सब कुछ अस्तित्व में आ गई। वहां के स्वर्ग और पृथ्वी के हर चीज बनौली। स्वर्ग में अपन आराधना और सेवा करे खातिर वहां के स्वर्गदूतन के भी बनौली। वहां के सब कुछ जवना के हमनी के देखत बानी जा, सूरज, चंद्रमा, तारा, पृथ्वी, सब पेड़ पौधा और जानवर बनौली। और आखिर में वहां के आदमी और औरत के अपना ही स्वरूप में बनौली। जब परमात्मा सब कुछ बनौली तब कहली कि ये सब कुछ बहुत अच्छा बा। परमात्मा आदमी और औरत के रहे खातिर एगो सुंदर बगीचा दिहली। वो लोग हर दिन साथ साथ चलत रहे और वो लोगन के आपस में एक दूसरा के साथ में बड़ा अद्भुत रिश्ता रहे। परमात्मा वो लोगन के बनौली कि वो लोग बगीचा के देखभाल करे और हर चीज के आनंद उठावे। वहाँ के ऊ लोगन के एगो खास आज्ञा दिहली। वहाँ के कहली कि तू लोग बगीचा के हर पेड़ के फल खा सकेला, पर जवन पेड़ बगीचा के बीच में बा ओकर फल मत खइह। अगर तू लोग ए पेड़ के फल खइबा जा तो मर जइबा जा। आदमी और औरत के रिश्ता परमात्मा और एक दूसरा के साथ बहुत सही रहे। परमात्मा हम सब के यही खातिर बनौलें कि हम सब उनके साथ और एक दूसरे के साथ ऐसने रिश्ता रख सकें जा। आदमी और औरत के रिश्ता परमात्मा और एक दूसरे के साथ में अद्भुत रहे। लेकिन का आप सबके याद बा कि जवना स्वर्गदूतन के परमात्मा बनौले ओमन से एगो स्वर्गदूत बहुत घमंडी हो गए। वो परमात्मा के समान होखल चाहत रहे और दूसरा स्वर्गदूतन से परमात्मा के जगह आपन आराधना करवावल चाहत रहे। लेकिन एक ही परमात्मा बानी जेकर आराधना करे के चाही। यही से परमात्मा वह अवज्ञाकारी स्वर्गदूत के स्वर्ग से बाहर निकाल दिहली, जे के हम सब शैतान कहिले। परमात्मा सब स्वर्गदूतन के भी जे ओकरा पीछे चलत रहले निकाल दिहली, कहे कि वो दुष्ट और बुरा रहले। एक दिन शैतान वह पेड़ के जेकर फल खाए से परमात्मा मना कैले रहे वह औरत के खाए खातिर भरमौलस। शैतान उ लोग से पूछलस का परमात्मा साँचो में ए बगीचा के कौनो भी पेड़ के फल खाए के मना कैले बाड़न। औरत कहली नाही, हमनी के कौनो भी पेड़ के फल खा सकीला, सिर्फ ओ पेड़ के जौन बगीचा के बीच में बा। अगर ओ के हमनी के खाइल या छुअल जाए तो मर जाए जा। लेकिन शैतान उनका के बतलौलस कि ना मर बजा बल्कि खुद परमात्मा के समान हो जी बजा। औरत शैतान के बात सुन ली और फल के खा ली हली और अपना पति के भी दिहली और उहो खा ली हलन। ओ दिन उ दोनों पाप कैलन। परमात्मा के आज्ञा टालल ही पाप है। परमात्मा धर्मी और पवित्र होवन। जब भी हमनी के उनकर आज्ञा टालब जा तो उ जरूर दंड दिहन। परमात्मा आदमी और औरत के बगीचा से बाहर निकाल दिहलन और उ लोगन के परमात्मा के साथ रिश्ता हमेशा खातिर टूट गए। वह आदमी और औरत के जैसे
हमनी के भी पाप कैली जा, हमनी के भी परमात्मा के साथ रिश्ता टूट गईल। पाप के सजा मोला के बाद अनंत काल के नरक है। हमनी के हमेशा खातिर परमात्मा के साथ ना जी सकली जा, जैसन बनावल रही का कल जा सकेला। समय बीतते बीतते पृथ्वी पर लोगन के संख्या बढ़ गई। हालांकि उ सब लोग पाप कैलस, फिर भी परमात्मा उ लोगन से बहुत प्रेम कैलन और उ लोगन के साथ रिश्ता बनावल चाहत रहलन। परमात्मा अपना एगो सेवक के द्वारा लोगन के 10 आज्ञा दिहलन। याद रखा कि परमात्मा सिद्ध और पवित्र हैं, यही से हमनियों के उनका संगे रहे खातिर सिद्ध और पवित्र बने के चाही। 10 आज्ञा लोगन के सिखावेला कि कैसे परमात्मा और एक दूसरा के साथ ठीक से रहल जा सकेला। ओमें से कुछ आज्ञा रहे, दूसरा देवतन के पूजा मत कर, मूर्ति मत बनाव, अपना माई बाबू के आदर कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, हत्या मत कर, दूसरा के सामान के लालच मत कर, व्यभिचार मत कर। लेकिन केहू भी इस सब आज्ञा के पालन ना कर पौलस। हर बार जब वो लोग पाप करत रहलन, परमात्मा उ लोगन के दंड के जगह पाप स्वीकार करे के और बलिदान चढ़ावे दिहलन। ई बलिदान एगो सिद्ध जानवर के खून बहावला से पूरा होत रहे। जब भी उ लोग बलिदान चढ़ावे तो परमात्मा से कहत रहले कि उ लोगन के पाप क्षमा करें और उनका जगह पर जानवर के मरे देस। सिर्फ खून गिरावला से केहू के पाप क्षमा हो सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतत गईल, उ लोग हृदय से अपना पाप खातिर दुखी ना होत रहे। लेकिन उ लोगन के केवल बलिदान ही रिवाज हो गई। परमात्मा कहलन बस खाली बलिदान बहुत हो गई। जानवर के बलिदान कैला के नियम से लोगन के मालूम भइल कि उ लोग अपने आप से परमात्मा के पास नइखे लौट सकत। का कल जा सकेला। परमात्मा तबो संसार के लोगन से प्रेम करेलन, यही से एकदम सही समय में परमात्मा सदगुरु यीशु मसीह के भेजलन कि लोगन के देखावें कि वो लोगन के साथ आपन रिश्ता फिर से कैसे जोड़ सके। सदगुरु यीशु के है? सदगुरु यीशु परमात्मा के एकलौता पुत्र हवन। सदगुरु यीशु एगो अद्भुत गुरु रहले। लोगन के उनका के सुने में बहुत अच्छा लागत रहे, काहे कि वो लोगन के सिखौलन कि परमात्मा के पास कैसे लौटल जा सकेला। सदगुरु यीशु एगो शक्तिशाली चमत्कार करे वाला भी रहले। एक दिन बहुत सारा लोग पूरा दिन सदगुरु यीशु के शिक्षा सुने खातिर अइलन। सदगुरु यीशु 5 रोटी और 2 मछली लेके प्रार्थना कह के लोगन के बांटे लगलन, काहे कि वो लोग बहुत भुखाइल रहे। वो दिन 5,000 से ज्यादा लोग खा के तृप्त हो गए। सदगुरु यीशु के ताकत हमनी के जरूरत के पूरा कर सकेला। दूसरी बार सदगुरु यीशु अपना चेलन के साथ झील पार करे के समय नाव में सुत गईले तो बड़ा तूफान आ गए। सदगुरु यीशु के चेला लोग उनके जगावलन और कहलन, गुरुजी हमनी के मरे वाला बानी जा। सदगुरु यीशु खड़ा होके हवा और लहर से कहले कि शांत हो जा।
तुरंत हवा और बारिश शांत हो गई। सदगुरु यीशु के ताकत प्राकृतिक संसार से महान बा। जब सदगुरु यीशु झील के पार गईले तब वो एगो हिंसक आदमी से मिलन जवन कबर के बीच में रहत रहे। वो बहुत सारा दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहे और वो बहुत खतरनाक रहे। जब सदगुरु यीशु ओके देखलन तो ओकरा से प्रेम कैलन। वो दुष्ट आत्मा से कहलन कि छोड़ दे। वो दुष्ट आत्मा वो आदमी के तुरंत छोड़ दिहलस और वो आदमी के दिमाग स्थिर हो गई। सदगुरु यीशु के ताकत दुष्टात्मा से महान बा। कौनो और दिन यीशु मसीह के एगो करीबी दोस्त बीमार होके मर गई। कुछ दिन बाद सदगुरु यीशु अपना दोस्त के कबर पर आइले। जब वो देखलन जहाँ उनकर दोस्त अपनावल रहे तब सदगुरु यीशु रो दिहलन। सदगुरु यीशु कबर पर गईलन और कहलन दोस्त बाहर आ जा। उनकर दोस्त कबर में से बाहर निकल आइलन। सदगुरु यीशु के ताकत मृत्यु से भी महान बा। सदगुरु यीशु ई सब कैलन काहे कि वो हमनी से प्यार करत रहले। सदगुरु यीशु परमात्मा के पुत्र रहले और एगो अद्भुत और साथ ही साथ शक्तिशाली चमत्कार करे वाला भी। और जितना लोग ये पृथ्वी पर रहे ओमे से केवल सदगुरु यीशु ही निष्पाप रहले। केवल उहे रहले जेके पाप दंड के सजा के लायक ना समझल गई। बहुत सारा लोग यीशु से प्रेम करत रहले लेकिन कुछ धर्मगुरु सदगुरु यीशु से नफरत करत रहले। उ लोग उनके गिरफ्तार करके अदालत में ले गईले और उनके मरवावे के फैसला कैले। उ लोग सदगुरु यीशु के एगो विशाल क्रूस पर लटका दिहले। उ लोग उनकर हाथ और पाँव के कील से क्रूस पर ठोक दिहले। जैसे ही उनका के क्रूस पर लटकौले उनकर कीमती खून जमीन पर गिरे लागल। उ चिल्ला के कहलन पूरा हो गईल। सदगुरु यीशु आखिरी और सिद्ध बलिदान बनले। परमात्मा हमनी से प्रेम करेलन और उ हमनी के जगह सदगुरु यीशु के मरे के अनुमति देहलन। सदगुरु यीशु हमनी के पाप के दंड उठवलन। सिर्फ खून गिरवला से हमनी के पाप क्षमा हो सकेला। केहू के हमनी के पाप के दाम चुकावे के पड़ल। वो दिन सदगुरु यीशु के मुवला के बाद उनकर दोस्त लोग उनका लाश के उठा के सुरक्षित कबर में रख दिहले। लेकिन ई कहानी इहे में समाप्त ना भइल। एकरा बाद तीसरा दिन सदगुरु यीशु मृत्यु में से जी उठले और ई बहुत दिन तक लोगन के देखौले कि वो फिर से जीवित भइले। वो सिद्ध कैले कि वो परमात्मा के पुत्र होवन। उ परमात्मा के पास स्वर्ग में लौट गईले। सदगुरु यीशु हमनी के दंड अपना ऊपर ले लिहले और हमनी के एगो रास्ता दिहलन जवना से हमनी के परमात्मा के पास वापस आ सकी जा। सिर्फ उहे हमनी के परमात्मा के पास जाए के रास्ता दिखा सकेलन। जब सदगुरु यीशु जमीन पर बैठल रहले तो एगो कहानी सुनवले। एगो जवान अपना पिता से कहलस कि संपत्ति में से हमार हिस्सा हमके दे द। उ जवान दूर देश चल गईल और उ आपन पैसा गलत काम में उड़ा देलस। जब ओकर सब कुछ खर्च हो गईल तब सबसे नीच मजदूरी करे के चुनलस सुअर चरावल। एक दिन वो होश में आयल
उ सोचलस कि हमरा पिताजी के पास कितना मजदूरन के भर पेट खाए के भोजन बा और हम इहवा भूखा मर रहल बानी। हम अपना पिताजी के पास वापस जाइब और कहब कि पिताजी, हम स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप कैले बानी, हम अब आपके बेटा कहलाए के योग्य नहीं खी, कृपया हमके अपन एगो मजदूर के रूप में रख ली। तब उठ के अपना पिता के पास गईल। लेकिन जब उ बहुत दूर ही रहे, ओकर पिता ओके देखलन और दया से भर गईलन। उ अपना बेटा के पास दौड़लन और ओके गले लगौलन और ओके चुमलन। बेटा अपना पिताजी से कहलन कि पिताजी, हम स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप कैले बानी, हम अब आपके बेटा कहलाए के योग्य नहीं खी। लेकिन पिता अपना नौकरन से कहलन, जल्दी से सबसे अच्छा कपड़ा लिया के एके पहनावा जा, ओकरा अंगुरी में एगो अंगूठी पहनावा और पैर में चप्पल डाला जा, आवा जा, हम सब मिलके दावत करें जा और खुशी मनाई जा, कहे कि हमार ई बेटा खो गल रहे और अब ई मिल गल बा, हमनियों के ए जवान बेटा के जैसे बानी जा, हमनियों के पाप कैले बानी जा और पिता परमात्मा से दूर हो गल बानी जा। लेकिन ए बेटा के जैसे हमनियों के परमात्मा के पास वापस आ सकेले, हमनी के अपना पाप खातिर क्षमा मांगे के चाही और परमात्मा के पास वापस आवे के चाही। उ चाहेलन कि हमनी के उनका बेटा के जैसे रही जाए। सद्गुरु यीशु कहलन कि मार्ग सत्य और जीवन हम ही हैं, बिना हमरा केहू परमात्मा के पास नहीं खे जा सकत। का आप लोग चाहत बानी कि सद्गुरु यीशु आप सबके परमात्मा के पास वापस ले चली? सिर्फ सद्गुरु यीशु ही हमनी के परमात्मा के पास वापस ला सकेलन। परमात्मा के पास वापस जाए खातिर आप लोगन के स्वीकार करे के पड़ी कि आप लोग उनका विरोध में पाप कैले बानी। आप लोगन के विश्वास करे के पड़ी कि प्रभु यीशु आप लोगन के पाप खातिर मर गईली, आप लोगन के दंड अपना ऊपर ले लिहनी और परमात्मा से कहीं कि वो आप लोगन के पाप क्षमा करी। आप लोगन के सद्गुरु यीशु में ही विश्वास करे के पड़ी कि वो आप लोगन के वापस लावे और परमात्मा के बच्चा होवे के नाते अनंत जीवन देस। ओकरा बाद सद्गुरु यीशु के अपन नया स्वामी और गुरु के रूप में आज्ञाकारी होवे के पड़ी। यीशु ग्रंथ में लिखल बा, परमात्मा संसार के सब लोगन से इतना प्यार कैलन कि वो अपना इकलौता पुत्र के दे दिहलन कि जे भी उनका पुत्र पर पूरा पूरा विश्वास करी ओकर विनाश ना होई बल्कि अनंत जीवन पाई। आप लोग भी परमात्मा के पास जा सकेले, जैसे वो जवान आदमी कैलस, वो अपना पिता के पास ए प्रकार से कुछ कहत लौट आयल। परमात्मा, हम जानत बानी कि आप हमसे प्यार करीले, हम आपके विरुद्ध पाप कैले बानी और माफी चाहत बानी। हम सद्गुरु यीशु पर विश्वास करत बानी, वहाँ के अपना पूर्ण बलिदान से हमरा दंड के ले लिहनी। परमात्मा, कृपया करके हमके क्षमा करी। हम आज से सद्गुरु यीशु के अपन स्वामी मान के अब से हमेशा तक उनका आज्ञा के मानब। अपना संतान के रूप में नया और अनंत जीवन खातिर धन्यवाद। काहे नहीं आप लोग यही समय उनके पुकारत बानी। अगर आप लोग सच परमात्मा के पुकारब जा तो हमेशा खातिर उनकर संतान रहब जाए। परमात्मा चाहत बानी कि आप सब दूसरा के भी बताई कि आप लोग उनकर बच्चा हैं। परमात्मा के योजना सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि आपके परिवार और दोस्त के भी आपके द्वारा लावे के रहे, ताकि उनका रिश्ता परमात्मा और एक दूसरा के साथ स्थापित हो सके। आप केकरा के जानत बानी जेके ई कथा सुनावे के जरूरत बा?